हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गौरव मिश्रा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वाटर पॉल्यूशन। तो एज वी नो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, द वाटर पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज व्हिच टेक्स प्लेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटर। एनी सब्सटेंस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर कैन बी रिफर्ड टू एज वाटर पॉल्यूटेंट। हर वो चीज जो इस पानी के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होगी उसे कहा जाएगा एक वाटर पॉल्यूटेंट। और कुछ उनमें से जैसे हैं डोमेस्टिक सीवेज, हमारे घर से जो कचरा निकलता है ना पानी के द्वारा, वो होता है डोमेस्टिक सीवेज। इसके अंदर हमारे फेकल मैटर होते हैं, कपड़े धोया हुआ पानी होता है, नहाया हुआ पानी होता है, हमारे घर के द्वारा जो बर्तन धोते हैं उसमें से जो पानी निकला होता है वो सब। नाउ इट इज अ सीरियस थ्रेट, है ना, उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक अगला टॉपिक भी बनेगा आगे जाकर के, जब हम पढ़ेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आएगा आपके एक चैप्टर में, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं दे ऑपरेट ऑन अ वेरी ह्यूज लेवल। अब यहां पर जब प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, तो दे जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट। अब इस वेस्ट को ये लोग पानी की मदद से बाहर डिस्चार्ज करते हैं। सो दीज वेस्ट आर कैरिड आउट बाय द वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द वाटर बॉडीज, जहां पे ये पोल्यूट करती है हमारे वाटर बॉडीज को। इसके अलावा सरफेस रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। हम देखते हैं आज के समय में जो किसान होता है, व्हाट दे डू इज दे स्प्रे लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट, जिसके वजह से इंसेक्ट्स और जो पेस्ट होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। चलो वो तो खैर अच्छी बात है, बट होता यह है यही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो रन ऑफ कर जाती है, है ना, खेत में से जो एक्स्ट्रा पानी वहां पे डाला जाता है तो वो रन ऑफ कर देती है वहां से, दे रीच टू अ लार्जर वाटर बॉडी। इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स भी बहुत बड़ा एक थ्रेट है। तो ये सब चीजें जो है ये कुछ बेसिक से पॉल्यूटेंट्स हैं। नाउ क्योंकि जो वाटर पॉल्यूशन था वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, तो हमारी गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केम अप विद दिस लॉ, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन 1974। नाउ दिस एक्ट जब से इम्प्लीमेंटेशन में आया है तब से धीमे धीमे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड, कोशिश कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने की। अब वो तो आप ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि पोल्यूशन कम हो रहा है भी है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 100% वाटर होता है, इस 100% वाटर में अगर 0.1% भी इंप्यूरिटी हो जाती है तो दिस वाटर बिकम्स अनफिट फॉर डोमेस्टिक यूज। इस पानी से हम लोग, है ना, हमारी जो डेली प्रोसीजर्स हैं, जो डेली रिचुअल्स हैं, जो डेली हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस 0.1% के वजह से हमारा जो पानी था वो मिसफिट बन जाता है। अब इस 0.1% के अंदर जो ये जो इंप्यूरिटीज हैं 0.1%, उनके अंदर क्या क्या हो सकता था? तो दे कुड कंटेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक सैंड, स्लेट एंड क्ले। इसके अलावा कुछ कॉलोडियल मटेरियल थे जो फ्लोट करते रहते थे, दिस कुड इंक्लूड योर फीकल मैटर, द बैक्टीरिया, फाइबर्स हो सकते थे, हो सकता था ये फाइबर्स कपड़ों में से निकल के आ जाए, ठीक है। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में आप जब कपड़े धोते तो लिंट निकल के आते हैं, तो इवन दैट कैन बी रिफर्ड टू एज पोल्यूटेंट, फाइन। फिर आते हैं डिजोल्व मटेरियल, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई और बहनों, ये जो डिजोल्व मटेरियल है बहुत बड़ी समस्या है। ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट मतलब पानी के अंदर जो माइक्रोब्स रहेंगे उनके लिए तो पार्टी हो जाने वाली है भाइयों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके लिए पार्टी है, पर जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे ना उनकी शामत आ जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट में कौन हो सकता था? नाइट्रेट हो सकता था, अमोनियम हो सकता था, इधर फॉस्फेट है, सोडियम है और कैल्शियम, समझ रहे हो? तो ये जो चीज थी, ये न्यूट्रिएंट वाला कंसेप्ट आपको मैं इस वीडियो में आगे और चलेंगे तो समझाएंगे। अभी मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर जगह पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। अब देखो आपके पास क्या था, एक जगह थी, मान ले इसके, मान लीजिए यहां पर आपके पास 10 लीटर पानी भरा हुआ था, ठीक है, वी हैव 10 लीटर वाटर देयर। अब होता ऐसा है बच्चों, इस पानी के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमेशा और हमेशा यहां पर थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो रहने ही वाले हैं, ठीक है। अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैं थोड़े बहुत भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हूं मैं मेरे माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मैं क्या देखूंगा, ये इस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेंगे
और रिप्रोड्यूस करेंगे, जिससे इन माइक्रोब्स की जो क्वांटिटी थी, जो नंबर था, वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने पर, क्योंकि ये माइक्रोब्स इन्हें कंज्यूम कर रहे थे, और एक चीज ध्यान रखना है आपको, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यू नो कंज्यूम दीज न्यूट्रिएंट दे वुड रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले कम ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम थी, अब हमने न्यूट्रिएंट ऐड किया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, भाई साहब खाना मिल रहा है ना उनको, तो खाने के लिए भर पेट, तो जब खाना ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ग्रोथ भी ज्यादा आएगा, रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा, क्वांटिटी जो थी, नंबर जो थे वो बढ़ेंगे। अब इसी के साथ में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था वो भी बढ़ेगा, और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि पानी जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, सही बात। तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कम संख्या थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा, इनको मिले न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को यूज किया इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, ग्रो करे, ग्रो हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ तो भाई साहब और आबादी बढ़ी, और ये न्यूट्रिएंट का रेट जो था कंज्यूम करने का वो भी बढ़ गया, है कि नहीं, एक थाली पे दो जने खा रहे हैं और उसी थाली में बैठ करके दस जने खा रहे हैं, तो खाना जल्दी कब खत्म होगा, जब दस लोग खा रहे हैं तब, तो खाना तो लगातार आया जा रहा है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा खाएंगे और मोटे तगड़े होंगे, यहां पर भी वही हो रहा है, ठीक है, बट ये लोग तगड़े तो हो ही रहे, साथ में रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब एक बहुत मजेदार चीज में हमको ऐड कर देंगे कहानी के अंदर, कि ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रहा था, तो पहले 10 ऑर्गेनिजम्स थे, अब 1000 ऑर्गेनिज्म हो गए बच्चों, तो ऑक्सीजन ज्यादा कब कंज्यूम होगा, 10 वाले केस में कि 1000 वाले में, बताइए जवाब बताइए, कहां पर, 10 वाले में कि 1000 वाले में, 1000 वाले में, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा था, वो ऑक्सीजन आ रहा था इस डिसॉल्व ऑक्सीजन में से, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, इस सिस्टम के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। अगर इस वाटर के अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते, मान लीजिए यहां पर फिशेस होती, तो मैं क्या देखता, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया है, तो ये जो फिशेस थे ना बच्चों, ये धीरे 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 मर जाएंगे, और इनके मरने पर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट और बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट और बढ़ गया उसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और पार्टी हो गई, समझ रहे हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर ऑक्सीजन कम करेंगे, सो देयर वुड कम अ टाइम व्हेन द वाटर वुड बी कंप्लीटली डिवाइड ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वही हमको समझना है, हमें यह समझना था कि अगर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स उनको कंज्यूम करने वाले हैं न्यूट्रिएंट को, वो भी बढ़ेंगे, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, वैसे वैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के द्वारा, ग्रोथ के द्वारा, और साथ साथ में ऊपर से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था वो भी कंज्यूम हो रहा है, और तुम नीचे क्या देख रहे हो, जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स है, फिशेस वगैरह है, इन्हें अबंडेंस में डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो एक्वेटिक फिशेस थे ये मर जाएंगी, और ये फिर से ऐड करेंगी किसमें, हमारे न्यूट्रिएंट में, समझे आप बात। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट उतना ज्यादा हमारे माइक्रोब्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा माइक्रोब्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ऑक्सीजन यूज करने वाले हैं ये लोग, तो ये जो डिमांड है ऑक्सीजन की बैक्टीरिया के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका मतलब है अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है और इस पानी के अंदर आपने न्यूट्रिएंट डाले हुए हैं, तो इस न्यूट्रिएंट को फिनिश करने में 5 दिन के अंदर जितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा इन मिलीलीटर, उसे हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी के अंदर अगर माइक्रोब्स डाले हैं न्यूट्रिएंट के साथ में,
और वो न्यूट्रिएंट कोई बैक्टीरिया 5 दिन के लिए कंज्यूम करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो यूज करेंगे उसे कहा जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब यहां पर एक ग्राफ जैसा कुछ देख पा रहे हैं, डायग्राम जैसा कुछ देख पा रहे हैं, जहां पर आपको एक रेड लाइन जैसी दिख रही है और एक ये ब्लू लाइन जैसी कुछ दिख रही है। तो ये जो रेड लाइन है बच्चों ये आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन है, और ये जो ब्लू लाइन है बच्चों ये आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का ग्राफ है, लाइन है। तो ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन, ये एक वाटर बॉडी का जंक्शन था जहां पर हमने डिस्चार्ज कर दिया है सीवेज। अब सीवेज तो भाई साहब ये था डोमेस्टिक वेस्ट। सीवेज के अंदर क्या क्या होता है, फीकल मैटर हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो ये जो था ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रिएंट बन जाएगा, ऑर्गेनिक रिच है ये, न्यूट्रिएंट है उसके अंदर। तो अब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे ही न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे उनको कंज्यूम करने के लिए हमारे माइक्रोब्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब माइक्रोब्स की संख्या बढ़ी है तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी तो बढ़ जाएगा बच्चों। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा ये ब्लू वाला पीक यहां पर आ गया, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई। अगर बेटा डिमांड बढ़ा है, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, ऑक्सीजन अगर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो यहां पर डिक्रीज भी तो होगा ना। बैक्टीरिया अगर उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन था वो कम भी तो होगा ना। तो डिजोल्व ऑक्सीजन मैंने क्या देखा, कम हो गया। जितना ज्यादा डिमांड था उतना ज्यादा कम हुआ हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ये उस रीजन में हो रहा था जहां पर हमारा सीवेज डिस्चार्ज होता था वाटर बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। अब डिजोल्व ऑक्सीजन देखो अब लगभग लगभग खत्म हो चुका है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन के खत्म होने पर आप क्या देखोगे, जो फिशेस थी इस रीजन में, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है उन्हें, तो वो जो फिशेस थी वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। उसी के साथ हम देखेंगे यहां का जो पानी था वो बहुत गंदा हो जाएगा, उसका जो कलर वलर था वो बहुत गंदा हो जाएगा। अब जब ये पानी आगे बढ़ेगा है ना, जब हम उस रीजन से आगे बढ़ेंगे जहां पर ये सीवेज डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो हम देखेंगे क्या धीरे धीरे सब कुछ वापस सेटल हो रहा था। क्योंकि जब आगे बढ़े तो हमने देखा न्यूट्रिएंट कम हो गए थे, न्यूट्रिएंट कम हो रहे थे क्यों, क्योंकि जो माइक्रोब्स थे उन्होंने उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर दिया था। तो आगे बढ़ने पर हमने देखा न्यूट्रिएंट थोड़े कम हुए। हमने क्या देखा बच्चों, जैसे जैसे आगे बढ़े जो न्यूट्रिएंट थे वो कम हुए, न्यूट्रिएंट कम हुए तो उसके साथ में एसोसिएटेड जो माइक्रोब्स थे जो इसे कंज्यूम करने वाले थे वो भी कम हुए। अब अगर क्योंकि माइक्रोब्स कम हो चुके हैं तो बताइए उसका इंपैक्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे क्या पड़ेगा, क्या होगी, जो कंज्यूम करने वाले थे वही घट गए तो बीओडी बढ़ेगी थोड़ी भाई, बीओडी भी घटेगी ही। बीओडी घटे, अगर बीओडी घटी है तो जो तुम्हारी डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो आई कैन राइट दिस रिलेशनशिप दैट बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा बीओडी उतना कम डिजोल्व ऑक्सीजन, जितना ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन उतना कम बीओडी। समझ में आई बात, समझ में आई बात बेटा। चलो, जो नॉर्मल पानी होता है उसका बीओडी होता है 3 ppm, नॉर्मल पानी जो होता है उसका होता है 3 ppm। अब अगर ये पोल्यूटेड हो गया तो 2500 ppm तक जा सकता है, समझे। जो पानी जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा, मतलब पोल्यूटेड मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा है, जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे पानी उतना पोल्यूटेड, और जितना पोल्यूटेड पानी उतनी ज्यादा उसकी बीओडी की रीडिंग है ना, जितना कम पोल्यूटेड पानी उतनी कम बीओडी की रीडिंग। बीओडी कम है मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। ये रिलेशनशिप देखो, ये जो बहुत काम का है, ये जो बताया है, ये वाला समझाया जो आपको हमने, ये बहुत काम का है, समझे। चलिए आप मस्त अच्छे से नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इमेज, जहां पर एक तरफ का जो पानी है वो काफी क्लीन है और जो दूसरी तरफ का पानी है वो बहुत ज्यादा गंदा है। तो ये जो कलर के अंदर आपने पानी में डिस्टिंक्ट नेस देखी है वो हो रही है बाय इवेंट कॉल्ड एज अल्गल ब्लूम। तो ये अल्गल ब्लूम कैसे होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक एल्गी इज इंड्यूस्ड। जो फ्री प्लैंक्टोन का मतलब फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो होती है वो ग्रो होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि हमारे पानी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा एक्सेसिवली बढ़ चुकी है। ठीक है, अब इसकी वजह से हम देखते हैं इट इंपार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी। अब यहां पे इमेज में देख पा रहे हैं कि कलर जो है पानी का बदली हो रहा है,
तो ये जो डिस्टिंक्ट कलर आया है इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लांक्टोनिक आल्गी। ठीक है, अब समझो इसके आल्गी के बढ़ने से होता क्या है। जब प्लांक्टोनिक आल्गी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम देखेंगे इट डिटियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर। जो पानी उस वाटर बॉडी में है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, और खराब क्वालिटी की वजह से बच्चों जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म थे, बेसिकली फिशेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी डेथ हो जाती है। एंड दिस इज रिफर टू एज फिश मोर्टालिटी। तो वी कैन सी इट हियर दैट द एल्गल ब्लूम कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर, एंड अलोंग साइड दैट इट ऑल्सो अफेक्ट द फिश मोर्टालिटी। काफी काफी ज्यादा बढ़ जाती है फिश मोर्टालिटी। ठीक है बच्चों, अब आप आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर से प्लांट्स, बहुत बहुत खूबसूरत फूल है इसके ऊपर। ठीक है, अब इन्हें कहा जाता है वाटर हायसिंथ। इनकी सुंदरता पे ना जाएं, इनका दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। क्या चौंक गए, क्यों उसे नाम दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल? ये बहुत ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकता था। जितना जल्दी हम उसको वाटर बॉडीज में से निकालते ये उतनी ही दुगनी रफ्तार से अपनी आबादी बढ़ा सकता था। ये पानी की क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता था। जनरली हमें ये जो प्लांट्स हैं वाटर हायसिंथ, जिनका साइंटिफिक नेम है एकॉर्निया क्रेसिपस, ये देखने मिलते हैं ऐसी वाटर बॉडीज में जो अंडरगो कर रहा है यूट्रोफिकेशन। अगर ये वाटर बॉडीज में आपको प्लांट देखने मिलते हैं ऐसे, ये साबित कर रहे हैं कि एक हमारा जो वाटर बॉडी है वो यूट्रोफिकेशन अंडरगो कर रहा है, और सेकेंड जो वाटर बॉडी है उसके अंदर का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये जो वाटर हायसिंथ है ये केवल देखने में सुंदर है एंड इट्स नॉट गुड। थोड़े दिनों पहले मैंने एक ऑटो के पीछे एक वाक्य पढ़ा था, हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है। तो आई कैन रिलेट दिस थिंग टू द वाटर हायसिंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों सीवेज की। तो जो सीवेज होता है इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो हमारे घर से ही निकला हो, हो सकता है कि सीवेज निकला हो किसी हॉस्पिटल से भी। दोनों ही केस में, whether it is arising out of your home or your hospitals, the sewage, your hospital, इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों में उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आगे जाके डॉक्टर बने। ठीक है, I actually mean it, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं एक्चुअली में चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो सही में डॉक्टर बने, वो बहुत आगे जाए। आई प्रे टू गॉड दैट ऑल ऑफ यू एक्सेल इन योर लाइफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राइट, तो ये जो सीवेज था जो हमारे घर से और हॉस्पिटल से निकला था, अगर उसे सही से ट्रीट नहीं किया जाता ना बच्चों, तो उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। वो पैथोजेंस, अब मैंने यहां पर एक कंकाल साथ बनाने की कुछ कोशिश की है, दे कैन रियली कॉज यू सीरियस डिजीज़। पैथोजन मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार कर सकता है। तो इन पैथोजेंस की वजह से आपको हो सकती थी डिसेंट्री, आपको हो सकता था टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी होता है बेटा टाइफाइड करने के लिए, देन जॉइंडिस है, एंड कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता। तो ऑल दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज एंड दे आर बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द सीवेज। राइट, इसके अलावा हम देखते हैं जो सीवेज होता है उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं। अब ये हैवी मेटल्स आर दोज मेटल्स जिनकी डेंसिटी इज ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होगी उन्हें कहा जाएगा हैवी मेटल्स। तो ऐसे कुछ मेटल्स का एग्जांपल है मर्क्यूरी, कैडमियम, लेड, कॉपर एक्सेट्रा। अब आते कहां से हैं ये आते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, देन यू हैव द मेटल एक्सट्रैक्शन इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद द केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ये सब जब हैवी मेटल्स पानी के अंदर घुस जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, ये हमारे पानी का जो क्वालिटी का स्तर है उसको बहुत ज्यादा गंदा कर देंगे।